हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिनेगुरी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए दिसंबर 2021 में रिलीज हुई मूवी पुष्पा द राइज का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लाया हूं। और इस मूवी का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड, वो हुआ था 71 करोड़ रुपए का। इसी वजह से इस मूवी को मैसिव ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में रखा गया है। और मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो था अबाउट 250 करोड़ का। और अब तक की इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 out of 10। इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया गया है। एंड इसकी स्टोरी राइटिंग व डायरेक्शन दोनों ही काम सुकुमार सर ने किए हैं। इस फिल्म के मेन लीड हैं अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पराज और रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली। और इनके अपोनेंट हैं फहाद फासिल जो कि भंवर सिंह शेखावत के किरदार में हैं। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2019 से होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से इसकी शूटिंग की शुरुआत 30 अक्टूबर 2019 से एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ शुरू की गई थी। और यह पूजा सेरेमनी हैदराबाद में ही मैत्री मूवी मेकर्स के ऑफिस में रखी गई थी, जहां पर पूरा ही कास्ट एंड क्रू अवेलेबल था। इस मूवी में लाल चंदन की स्मगलिंग को दिखाया गया है। एक्शन। जब पुष्पराज अपना काम छोड़कर के कुछ लोगों के साथ चला जाता है जहां पर लाल चंदन की कटाई की जाती थी, और यह उसी जंगल का सीन है, यहीं पर वो सारा सीन रिकॉर्ड किया गया है जहां चंदन काटने वाले सीन को शूट किया गया। उस जगह का असली नाम है मैरदुमिल्ली, लेकिन जहां पर पानी वाली फाइट का सीन रिकॉर्ड किया गया है उस जगह का नाम है रंपचोड़वरम, और यह वही जगह है। और इस फिल्म के अंदर आपको जितना भी कटा हुआ चंदन दिखाया गया है वो बिल्कुल भी असली नहीं है। ये सारा ही चंदन फोम से बनाया गया है और उसके ऊपर से कलर किया गया है जिससे ये असली जैसा लग सके। जब अल्लू अर्जुन और उनके सभी साथी सारा ही चंदन काट करके एक ट्रक में भर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाते हैं। तब अल्लू अर्जुन उस ट्रक को भगाते हुए लेकर के जाते हैं। यह उसी सीन का BTS है जब ट्रक काफी ऊपर से जंप लेते हुए नीचे की तरफ आता है। इस स्टंट को परफॉर्म करने वाले स्टंट मैन ने हेलमेट पहन रखा था जिससे कि वह पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। और इस सीन को फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ से ले जाकर के अल्लू अर्जुन उस सारे ही लाल चंदन को एक कुएं में गाड़ी सहित डाल देते हैं। और उसके बाद में कोंडा रेड्डी आकर के अल्लू अर्जुन को जेल से छुड़वा लेता है। और बाद में पुष्पराज खुद कोंडा रेड्डी से मिलने के लिए जाता है। और इस वाले सीन की रिकॉर्डिंग महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल में की गई है। फिल्म की स्टार्टिंग में पुष्पराज को एक लॉरी चलाते हुए दिखाया गया है, और यह वही वाली लॉरी है। पूरी फिल्म में इस तरह की 4 से 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म के श्रीवल्ली सांग में रश्मिका मंदाना को एक खाट को टाइट करते हुए और अल्लू अर्जुन को अपनी गाड़ी धुलते हुए भी दिखाया गया है। ये उसी का BTS है। यहाँ पर मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस का सेट बनाया जा रहा है, जहाँ पर मंगलम श्रीनु अपना सारा ही लाल चंदन लोगों से छिपा करके रखता था ताकि किसी को पता न चले कि वो चंदन कहाँ रखा हुआ है। कोंडा रेड्डी मंगलम श्रीनु से मिलकर के इस जगह की जिम्मेदारी सौंप देता है पुष्पराज को, लेकिन किसी तरह से पुलिस को इंटेल मिल जाती है जगह के बारे में और पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक पुष्पराज सारा ही चंदन पानी के थ्रू बहा देता है, और यह वही जगह है जहां से चंदन को बहते हुए दिखाया गया है। और पानी में गिरते हुए चंदन वाला जो सीन है उसे एथिरापिल्ली वाटरफॉल्स जो कि केरल में है वहां पर शूट किया गया है। मंगलम श्रीनु और कोंडा रेड्डी का जितना भी चंदन होता है पुष्पराज सारा ही उस फॉल में बहा देता है और आगे एक रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेता है। इस सीन में केवल फॉल ही असली है, बाकी अल्लू अर्जुन के सीन को अदर लोकेशन पर रिकॉर्ड करके इसमें ऐड किया गया है। जब पुष्पराज और श्रीवल्ली की शादी फाइनल होने वाली होती है पुष्पराज श्रीवल्ली को देखने के लिए आता है। यह वहीं का BTS है, लेकिन वह शादी फाइनल नहीं हो पाती और पुष्पराज की माम को चोट लग जाती है। तब पुष्पराज अपनी माम को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, और यह वहीं का सीन है। जब पुष्पराज मंगलम श्रीनु यानी कि सुनील सर के घर पर आता है तो फिल्म में जो सुनील सर का घर दिखाया गया है वो कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर डायरेक्टर सुकुमार सर अल्लू अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है। इस सीन की शूटिंग महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल में की गई है, वहीं पर यह घर बना हुआ है और ये पड़ता है हैदराबाद में। और इन सीन्स की शूटिंग के लिए इसकी छत पर कार्डबोर्ड के कुछ पिलर्स बनाए गए थे। फिल्म के अंदर यह घर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। यह BTS उस समय का है जब जॉली रेड्डी रश्मिका मंदाना को एक धोती देता है और उसे पहनकर आने के लिए बोलता है रात में। जिस जगह पर जॉली रेड्डी का अड्डा दिखाया गया है वह भी महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल ही है, लेकिन उसे जॉली रेड्डी के अड्डे की तरह से प्रिपेयर किया गया था।
जब कोंडा रेड्डी को पता चलता है कि जॉली रेड्डी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पुष्पराज ही है, तब कोंडा रेड्डी पुष्पराज को मारने के लिए प्लान बनाता है। और कोंडा रेड्डी जैसे ही गोली मारने वाला होता है पुष्पराज को, तभी मंगलम श्रीनो के आदमी आकर के हमला कर देते हैं और पुष्पराज बच के भाग निकलता है। और उसके भाग निकलने वाली सीन की शूटिंग रामपचोड़वरम में की गई थी। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब अल्लू अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से बचते हुए भागने की एक्टिंग करनी है। यह इसी मूवी के ई बिड्डा ये मेरा अड्डा के नाम से जो सॉन्ग है, यह उसी का सीन है। और जब आप गाना देखेंगे तो उस गाने में काफ़ी सारे मिट्टी के पार्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हुए दिखाए गए हैं, साथ ही दो बड़े से पहिए भी लटकते हुए दिखाए गए हैं। यह बीट उस समय का है जब इस मूवी में फहद फासिल की एंट्री होती है और उनको इस मूवी में एक IPS के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म में जितने भी गाने हैं उन सबको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब किया गया है। और यह इसी मूवी के एक गाने सामी सामी का बिहाइंड द सीन है। हिंदी वर्जन में सामी सामी सॉन्ग को आवाज दी है सुनिधि चौहान जी ने। यह बहुत ही प्यारा सा एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसको ट्यून किया है देवीश्री प्रसाद जी ने और कोरियोग्राफ किया है शेखर मास्टर जी ने। जब पुष्पा मूवी का प्रमोशन किया जा रहा था उस समय ड्यूरिंग द मुंबई प्रेस मीट रश्मिका मंदाना जी ने इस गाने पर थोड़ा सा डांस भी किया था ऑन स्टेज। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना जी हल्का सा सांवली दिखाई देती हैं और उनको सांवला दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता था। और यहाँ पर कोरियोग्राफर शेखर मास्टर एंड डायरेक्टर सुकुमार सर दोनों ही लोग बता रहे हैं किस तरह से गाने पर डांस करनी है, परफॉर्म करना है। और हाँ, एक बात जो हर कोई अल्लू अर्जुन सर से कहना चाहता है, अल्लू अर्जुन गारू I love you. पुष्पा मूवी के प्रमोशंस के दौरान ही मुंबई प्रेस मीट में अल्लू अर्जुन सर से एक सवाल पूछा गया था कि आप बॉलीवुड की किस फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है तो थोड़ा रीमेक करने में, अब तक नहीं किया मैं। इनका नहीं चप्पा कोई आकर माता दे पुष्पा तगेदला। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन के करेक्टर पुष्पराज को हिंदी में आवाज दी है श्रेयस तलपड़े ने। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा मूवी के प्रमोशंस के दौरान ही एक प्रेस मीट में अल्लू अर्जुन के कुछ फैंस अल्लू अर्जुन के पैर छूने लग गए थे और बाद में अल्लू अर्जुन सर ने वहां पर उस स्टेज पर जितने भी उनके फैंस आ सकते थे उन सबके साथ ही काफी सारी फोटो भी क्लिक करवाई थी। वैसे इस 8 मिनट के वीडियो में 6 मिनट का बिहाइंड द सीन है एंड 2 मिनट का स्पेशल प्रेस मीट प्रमोशंस वीडियो है। सो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।